मंजनी बेरा उड़ा 2.5 किले है, मंजनी बेरा उड़ा 3 किले, मंजनी बेरा 3.25 किले बड़ौदा में। जितनी मेरी फरद में है, मैं मेरा भाई पे 5 महीसा दरवाजे में तभी लूंगी। ईब मैंने बूढ़ी को निकल राखी, मैं लूंगी ईब। मेरा आज लग उस गांव में सिर नहीं होया, मैं मेरा भाई का आके लूंगी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। तो 10 से 15 दिन पहले भी आपने एक वीडियो देखी थी कृष्णा ताई की, जिनका रो रो करके बुरा हाल है। क्यों है? क्योंकि इससे पहले की जो वीडियो में आपने देखा था कि काकड़ोद गांव की बहू है ताई जी, और जो बड़ौदी गाँव है जिला जींद में, वहाँ की बेटी है बड़ौदी गाँव की। और इनका कहना है कि न तो जो पीहर वाले हैं वो इनको घर में जाने दे रहे हैं, और न ही जो ससुराल वाले हैं वो उनके उन जो घर में हैं वो घुसने दे रहे हैं। यानी कि न तो ससुराल इसका, न पीहर इसका, न भाई और न ससुराल। तो जाए कहाँ? इस वजह से जो ताई की जो समस्या है, कई साथियों के कमेंट भी आए थे कि भाई असल में सच्चाई की समस्या क्या है, कई तरह की जो बातें हैं वो निकल करके भी आई थी। ताई जी राम राम। राम राम बेटा। तो भाई कृष्णा नाम है ताई जी का। ताई जी के मामला है, मतलब एक बार दर्शक पूरा मामला जानना चाहो भाई, शुरू से ले लास्ट तक भाई, कहाँ से क्या आपका जो दुख का कारण है वो कहाँ से शुरू हुआ? मेरा बेटा काकड़ूत गांव में रिश्ता होया है जी। मेरी काकी है टेकराम की बहू जी, और उसका मामे का बेटा का वह लेगी है, सरेड़े की वह है। न्यू मेरा रिश्ता होया था जी। मेरा पिछड़ा राम किशन मटरा कया कर दे, उसके वो कुआरा था, बोले मैंने गोद ले रखा है। मेरे पहलड़ी सासू मेरी मरगी थी जी। यू पिछड़े ने गोद पर बोलिया रिश्ता है, मेरा पिताजी ने मेरा रिश्ता कर दिया था, 10-12 साल की का पक्की कर दी थी जी। फिर बेटे मेरी शादी हुई, वह 2 बहन है, सुतेली भी वह दूसरी भी। मेरा सिर में घर था, मैं उसमें ब्याही गई हूँ, उसमें ब्याही गई हूँ। जब मैं एक बार पहला ब्याही गई फिर गई, उन गल मेरी बनी नहीं। मेरे बाप ने कहा बेराम कृष्ण मट रहता है, मेरी बेटी इस कमरे में नहीं आओगी। जो तेरा मकान है मेरी बेटी का, चाहे कोठड़ा बना चाहे 2 बना, मेरी बेटी उसमें आओगी। मेरे पति ने उसमें 2 कमरे बना लिए नीचे ईंटा के, ऊपर 1 कमरा ऊपर बना लिया। मैं उसमें रहने लगी जे पीछे मेरे 2 कमरे, ऊपर 1 कमरा, आगे पड़ोसियों के डांगर बंधे है। मेरे को बहुत टोचर रखा जी, टेम फोन भी नहीं थे, इतनी शानी भी नहीं थी। पिटी सिर फुड़ाए, थाने में दरखास्त दी, बाली लेके कट गए आगे उनके डांगर बंधे। कोई बाथरूम था, कोई नहाने की चौकी नहीं थी। तो ये कई साल पहले की बात, ये कई साल पहले की बात है, ये 30-32 साल 35 साल हो गए। अच्छा, उस टाइम तो यो बाले दुख दुखी हो गए थे आप? दुख तो गणी हो रही हूँ, 35-36 साल पहले की गणे दिन की हूँ। अच्छा। तो बेटे उनकी महसा के वहाँ जो पानी नाली होती है वह मैं की बरजंदी नाली ने लुगाई, छोरी भी लुगाई, वह मैं तो गिल्ली होगी, मैं नहाऊंगी कपड़े धोऊंगी, मेरे को लड़ाई करते वही बात बेटा बात। फिर मैं अगले गणे पढ़ लिए ये तो मैंने रहने नहीं दिए थे। वो पिछड़ा भी इनकी बुक ऐसे कह के अब्बल दिन पहला तो मैं लड़ झगड़ के इनकी के करा काम, बोले मैं कडवाए दी उरत है, मैं इनकी कडवाए दी जे जींद लेने रहने लगी मैं। मेरे पति गल है मेरे गंडा से ले गए पड़ के कमरे में, तो इनकी बरसीन का घास गेड़ लिया दोनों कमरिया में, एक ऊपर एक तला है। ओ कमे की बू ने सुतेली ने उस पर भी कब्जा कर लिया। मैं जींद रही साल डेढ़ साल है। तो मेरा पिछड़ा ऊपर से ढह के मिर्गी उठा कर दी, वो पड़ गया जे उती जींद लिया है। मन उनती 5-7 आदमियों की 5-7 हफ्ता रखा रोटी दई, मैं कुंदन सलीमा दौरे रहा कर दी, मैं रोटी बना दी, मेरा मनस मेडिकल में लेकर जाता। तो फिर मेरा पिछड़ा मरण से पहला मैं चली गई गांव में, मैं चली गई जब मैं घास पहला कटवा दिया था, तो मैं चली गई जे मेरा पिछड़ा मर गया, मेरा पिछड़ा भी मर गया। तो मामे लग गए कहन, फिर रोला झगड़ा होया भी मेरा पिछड़ा मर गया, 6 महीने 5 महीने भी या जो जमीन है नहीं हम आप बोवांगे, हमने तो नहीं हुई मेरा मारी है कितनी, वो पड़ोसी बहुत उत्ती दे रखी बुढ़े ने उन्हें जो सेवा दरवाजा भरते हैं, हमने न्यू को नहीं बेरा था। और तेरा अंकल तो छोटी नौकरी पे था और कच्चा था, लड़ाई झगड़े होया करते, थोड़ी सी घूंट भी लिया करता, तो कमजोर पड़ गया। एकला बे एकला, उसके माँ बाप थी को नहीं, सुतेली थी और काका भी भाभी अंगले सेटमेंट थी, सब बतगाम ने बेरा सेटमेंट में बेटा किसी की दाल को निकलिया कर दी।
हमें आ गए, हमें आ गए जो पिछड़ा मर गया जे हम पे न्यू लागे कर भी गोद ले रखा मैं अपना ऐसा महंग सका हाँ भाई या जमीन में हमें आप बोवागे। वह कह रहे बोलियो, वह बोले तू कई जमीन बोएगी आधी मारी हमें तारी कैसे होगी भी या तू देख लिए हमने देखा जे वसीयत करा रखी है आदि राम कुमार का जित कह कह आदि हरी ज्ञान का हुक्म कह कह जो राम कृष्ण ने मटर ने गोद ले रखा था तुम्हारे को आधा ऐसा हमने कढ़ा लिया साल छह महीना में वो कढ़ा लिया जे हमें उन्ती तो दे दिया थे जे बोन ने तुम्हारे दाने आए जी खाने ने जो हमें लग गए कहने भी हमें तो और जाएंगे किसी ने मारा जो डबड़ी दे है तमने तो हमें और न देने लग गए जे उन्हें नहीं बोने दे हुए ना उस पर गमी दी पानी तो देने की बात करे थे आज लग भी पानी नहीं मिल रहा मैंने ये पिछली साल कटवाया है मैंने जो मेरा खेत बोरिया है नहीं मैं कहा मेरा पानी छोड़ो मैंने फोन करे ये मैंने मेरा पड़ोसी पूछा था तने पानी के पैसे मिल रहे हैं बोले हाँ साल के मैंने 500 रुपये मिल रहे हैं मेरे पड़ोसी ने कहा भी मैं झूठ सक साथ मैंने नहीं पता मैं कहा ठीक है तो फिर वो हमने कटा लिया वो कटा लिया जे मेरा 3 साल तो खाली पड़ा रहा इनकी पानी नहीं पड़ोसी का पानी नहीं लेने देते ये ना मेरे गमी ना मेरे पानी पड़ोसी का पानी नहीं लेने देते उशहारे का छोरा चंडीगढ़ उसमें कमांडो में लग रहा है गाम राम पुछो जीन लग रहा है वो पानी बेचे है मेरे खेत का कूने पे है सारा मेरा भाईचारा पानी लेवे है उशहारे का सत्ता तो मैं बोली भाई सत्ते मेरी ससम सूखगी तो मैंने पानी दे दे बोले काकी मैं तो तने पानी दे दूंगा तेरा भाईचारा तेने पानी देने का नाट है भाई क्या तो नाट है बोले मैं के बताऊँ तेरा अगर बताना भी चाहता तारी लड़ाई हो जाएगी भाई तेने मोल बेचण खातर लाया है बोले मैंने मोल खातर लाया भाई चाहे तो उन्ती भी ना देर नहीं मने दे मेरे बच्चे का ले बोले भाई लड़ाई होगी काके ने कह दी मैं पानी को दंदा मेरे बच्चे याने थे मैं गई भाई मैंने काम बताया दे के बात से तो पानी क्यों नहीं दंदा तेरे पीछे भुंडे लागे हैं अक मन्ने नहीं दंदा बोले तेरे परिवार के दो जने आ लिए बलिया अक पानी नहीं देना एक तो आ लिया आमना एक गया था कद्दू बलिया इसकी पानी नहीं देना दो गए थे पूछो जाके ने वो छोरा जीवा है एक जो गल लगाया था वो जीवा है एक मर गया तो तारा जमीनी मामला है मान ले हाँ जी। फिर ईब के रोड़ा चलो चल रहा सारा मामला तो ईब असल रोड़ा के ससुराल के साथ में आपका रोड़ा क्या तो मेरा पिछराली जमीन का रोड़ा जो इनकी मेरे गले बिया करी है मतलब इनकी आधा हिस्सा ले लिया हमने कोई पता नहीं था अच्छा फिर बात बनी है तो मेरा यू रोड़ा नहीं होया तो जी मेरी मेरा जो 11 कनाल है वह 10 है मैंने बेरा भी नहीं 8 9 10 10 कनाल होगी जी वह है वह नहीं बोने देते तो हमें बोले भाई तुम तो पूरी नहीं दी है तो इसका हिस्सा कट गया हमें अपने ससुराली का लागे करने इंतजार है तो मैं मेरा पति ना हमने कहा एक बार मेरे द्योरा ने मैं कल्ली गई मेरे द्योरा ने और मेरी सासू ने मेरे पास हाथ उठाया मेरा पति मंडी में तो आया उचाने ते जाके मैं वो पूछन गए उती कहा हाँ भाई हाथ उठा दिया था वो भी माफ करी थी हमने अपना हिस्सा लेने के लिए कोई केस नहीं दर्ज कराया था तो फिर बेटा की बात बनी तो हमने मारे मैमसरे भी कोशिश करी भी आओ हरि ज्ञान का हक बताओ चाहू रामकृष्ण मटराला दो और नहीं हुक्म वाला जो आओ वह नहीं कह भाई हमने नहीं बेरा तारी सुलटो आप फिर मेरी फुफस के छोरियाँ दो रहा कई बगैर मेरा घरवाला आज मेरी फुफस के छोरियाँ गल मारे गोडे नु आने नहीं जाना नहीं मेरे मैमसरे गल नहीं मारा दुख सा इस बात का तो मेरे मेरी फुफस के छोरे भी शामिल नहीं हुई मेरी फुफस के छोरिया ने क्या करा काम तो मेरा यू छोटा बेटा जामिया मेरे पति की मैस 7,000 में मैस आ गई थी जी खरकी झोटी तो वह ले के अरे पहले की काटी एक है मेरा पिछड़ा मेरे मैं था मेरा छोटा बेटा जामिया एक काटी पहले बैंत की एक फिर वह दूसरे ब्याह है मेरा पिछ मेरा मेरी फूफस का बेटा पाला आ के ब्याई डैन घर पड़ी वह तीनों वह झोटी और उस मैस ने 4-व्हीलर में चढ़ा के ले गया जो मेरे पति की मैस खरीदी हुई थी अपने मामे पे जोड़ा खुला के वो अपनी भाभीया में रहा करता वो भी माफ करया मैंने ईब मैंने बोली भाई चाहे तो मैंने मटरे की जमीन दो हमने और नहीं हमने या हुक्माड़ा मेरा जो ऐसा उद्यो अच्छा उनकी गणे दिन तो दिए ला रहे देवांगे 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 कुआ सगैर ने बुलावा कुआ सगैर नहीं आवे कोईया मामा नहीं आवे कोईया कोई नहीं आवे भाईचारा कोईया न्यू कह दे भाई तारा घर का मामला तम सुलटो
नी कट्ठे हो हैं तो फिर के बनी बात है। तो कई तई कई जने नू भी कहेंगे भाई रिश्तेदार आ गए भी बिगड़ी है ससुराल के लिए धक्का भी गेट के अपनी बेबे के लग रहे हैं। अच्छा। मेरा गला कौन लगेगा जो मेरे भाई नहीं मां का जाया जो मेरे मेरी बेबे के बेटे नहीं मेरी बुआ के बेटे नहीं भाई बेबे बहन के होया कर रहे हैं कौन लगेगा गला मेरा मेरे तले धरती ऊपर भगवान है ए हरि ज्ञान एकला और बेकला हरि ज्ञान गला कोई नहीं ना मेरा गला आप बताओ इस बात ने पालड़ी का सुतेली का इसके पांच बेटे एक बेटी आज चल है लुच्चे गुंडे की मेरी नहीं चलती सुच्चे की कौन चलती सुच्चे का लग लठ मेरा गला है गांव क्या दो रह गई चूड़िया के गई पंचायत करण ने चूड़े को नहीं आए डरे हैं फिर गई आपसे क्या मैं नाम दरवाए दूंगी किसकी थी कह के गई दादा पंचायत आ रही है मेरे पीर की आ जो भले आवागे न्यू भी नहीं कहते को नहीं आते को नहीं आते को नहीं आई मैं तीन बार भाड़े पर कहने लेगी जो मेरा रामकृष्ण नाला था भी मेरा पानी दंदे नहीं खंड दंदे नहीं मेरे पीर के तीन बार गए राजी बंदा करके वो भी नहीं मिला था वो भी मैंने कोर्ट में तो मिला है तहसील में है पुलिस ने कब्जा दुआया है 100 गज प्लाट दिया है 200 गज प्लाट था मेरा फिर सड़क है ई मैं रामकृष्ण का हिस्सा मांगने लगी नहीं। अच्छा एक जने कोई नहीं कह दे मैं थाने तहसीलें आंडी जुई बोले ताई तने तेरा 125 किला नहीं बोन दंदे तो तने उसकी आज तो बाद में देखिए तो इसकी क्यों ठनियारी करवा ली तेरा नाम सही हो मैंने उसका केस डालिया जो वकील ने कागज मांगे मैंने वही कागज कैट के दिए पटवारी दो रह जाऊँ पटवारी बदतमीजी करे तहसील दो रह जाऊँ तहसीलदार दो रह उत्ती बदतमीजी करी मैंने दर दर की ठोकर खाई है मैं संघर्ष कर रही हूँ और जीऊँगी तने लड़ूंगी फिर कई बनी बात है तो मैंने फिर भूल गई बतानी बतानी हाँ हुक्म का मांगने लग गए हुक्म का मांगने लग गए जैती कहा मेरे बालक ब्याह पाछे दूंगी वो भी दयागे कि नहीं तुम बोन लग रही अरे सुभाष ने कहा मारा काका है माँ में भी ऐसा ले सका हाँ मैं कहा जद ले होगा तुम ऐसा तुम वादर दे वाह के कह रहे हैं वसी वादर दे तू गोदनामा जद ले सके तू अरे मैं मेरा सूसरा काक ले सको हूँ आज कहूँ मैं सीधी होके कहूँ मैं सीना ठोक के कहूँ सुन लियो मेरे गांव वासियों मैं ब्याही आई हूँ यूर न्यू कह रामकृष्ण ने मटरे ने गोद ले रखा है तो मैं सारे श्याम ही बोलो कोई तो गाई देवेगा यू हुक्मे का सहक नहीं है तो मैं हुक्मे का ऐसा मांगू हाथ से तो मैंने मटरा का दे दो रामकृष्ण का नहीं मेरा हुक्मे का मांगू हूँ अरे ऐद की अधिकारी हूँ और कानून के शाबते लूंगी ऐद लूंगी ऐद भाई सारे तो किरा मैं थोड़ा भी ले लूँ इनकी मेरी राखी कोई नहीं ना मेरे ब्याह में ना मेरे मरणिया में कोई मेरा भाईचारा नहीं मेरा जो से बेटे का ब्याह में गए हैं नहीं वह जो से हैं उनका मैं कैस को हूँ ये मेरे ब्याह में भी नहीं गए हुक्म गई है क्या तो नहीं गई है काने थे इनकी क्या तो नहीं बुलाई मैं ब्याह में मैं तो कहता इसकी बेबे का ब्याह में यू इतनी फोन करके गया था यू मैं इसकी बेबे का ब्याह में आई मैं खाली पल्ले गई 2 किलो तो संतरे ले आई पैंट ले आई बुरशट ले आई किन्ना दान घल के गई तो मेरा के खोट है तो मैं खाली पल्ले गई मैंने नहीं सोचा हमने कुछ लेना है तो जय मैं कल्ली गई तो ये आपकी जो आपने जो 1 किला 1.25 किला मिल रहा है नहीं? हाँ तो ये और के ससुराल में तो और क्या चाह रही हो आप मैं नहीं चाह रही हूँ हुक्मे का चाह मटरे का धुआओ और चाह हुक्मे का ऐसा दो और मैं लूंगी और कहे गोदनामा इधर जो कोर्ट में मीडिया गए इधर जो जो मेरा 125 किला में बोरी होनी आज उसका मेरा किला मेरे को 7-7, 8-9, 10 साल हो गए इनकी नाली का एडर की देख लो 3.5 साल हो गए मैंने कब्जा ले रखा जी मन ने मैं इनके खेतों में को पानी नहीं मिला कट्ठी के उठ में ये मेरे को जबरदस्ती धमका है क्या मरने की धमकी दे के 2 घर पानी लाने लग रहे हैं इनका के फर्ज बना है और जो मेरा खेत मेरा पड़ोसी बहुआ है मेरा जाट भाई मेरा द्योर लग है उसी बिना पूछे नाली दे रखी है मैं न्यू कहूँ मेरी नाली ठीक कर दे जी तो न्यू कहते भाई सारा आवागा जद करूंगा तो एक तो ही बाप का एक तो नाली का मामला बस हाँ उनका किल्लम को नाली वाला मामला हाँ, और क्या है एक न्यू है हुक्माड़ा मांगू हूँ हाँ कह अच्छा कोर्ट में केस करया हुक्म आपका के लागत था सुसरा अच्छा। सुसरा चाहे तो मटराला जो जो गोज ले रखा हाँ। नहीं हुक्मे का यू बेटा कड़े गया यो आदा का अधिकारी है कानून के हिसाब से लूंगी आज लूंगी आज अरे केस डाल रखा है मैंने गाइया बुलाया मैंने थाने में दरखास्त दी उस थाने में मेरी कोई सुनाई नहीं भी हुक्मे के बारे में मेरी दरखास्त दी यू भी पंचायत उस तक मिला है डीएसपी ने बुलाई उस थाने दो पार्टी वो दोनों कर
यू मरिया लिखा आया, यू जिंदा है, इसकी जमीन कड़े गई, बोले हमने के बेरा ना बालिक थे, बेरा तो पड़ जाएगा 420 का रखी था हमने। ई मन हुकूम ने मेरा वकील ने बोलिया उगाइया सही है गांव का, चाहे कोई लिया 36 बरादरी का लिया, मैंने उगाइया बुला दिया, मैं गांव में डर दी लुक दी जाऊँ, मैंने खतरा है हुक्मे क्या था जीते क्या था, मेरा गला पड़ रहे हैं जूती लेके, अरे कोई भी मार दियो हुक्मे के सारे जीते के परिवार जिसने मेरा धुर लग कर रखी है, मेरे पोते के मेरे छोटे बेटे के मेरे जुम्मेदार बनेंगे और बड़ोदी वाले बनेंगे और मेरा कोई नहीं है। बड़ोदी तो आपका पीर है, बड़ोदी वाले क्यों बनेंगे? बनेंगे, उनकी मेरी जमीन भी दाब रखी है। अच्छा। मेरी माँ उड़े मर रही है। हाँ। इनकी मेरे गल इतनी गल रखी उनकी भी पूछूंगी। आपकी माँ की मरी थी चंडीगढ़। अच्छा आपका दौर? हाँ मेरा दौर रठवाई थी, पहले पिल्लू खेड़े गेड़ी। हाँ। पिल्लू खेड़ा वाले उरे गेड़ के फिर मेरे मेरे पठवाई थी। तो आपके भाई ने आपकी माँ कौन पाल वो करया सेवा कौन करी उसकी? नहीं करी सेवा। अच्छा, अच्छा सुन मेरी बात है। हाँ। ई में मेरा केस चल है साल तक दूसरी लगेगी। तो आपके तो मतलब आपके पीर में भी ससुराल में भी झगड़े और दुश्मनी हो रही है। वो लुगाई का चाहे पीर हो चाहे सासरा हो बेटा। हाँ। वो को मेरा छोड़ दिया नहीं। हाँ। मनस मेरा एकला को मामे लागे नहीं, बुआ के बेटे लागे नहीं, उसके बहन नहीं, चाहे बहन ने दुखाया करे। सबसे बड़ी जो बात हुआ यह है कि जो ताई जी है पहली वीडियो में भी आए बात थी कि न तो इनका ससुराल और न इनका पियर कोई भी साथ नहीं दे रहा, बल्कि दो मतलब इनके साथ में जो दुश्मनी है वो बढ़ती जाने लग रही है। ताई के जो आरोप है बार बार वो लगाए जा रहे, जमीनी विवाद बड़ोदी का। अच्छा ससुराल में तो जमीनी विवाद हो गया। मेरी 23 तारीख की भैंस की उगाई बड़ोदी गाँव में जमीनी विवाद चल रहा है। हाँ वो मेरा ऐसा लूंगी, पहले एक टप्पा करूंगी पूरा। मेरा 23 तारीख ने मेरी भैंस की बाण होगा भाई पे, जमीन कैसे लेओगी? हाँ लेऊंगी, पहला एक बात वार कहूंगी। पहला बताओ मेरी 23 तारीख की बात थी, मेरा बेटा मरिया लिखा दिया, मैंने कहा था भी पागल होकर लिख रहे हर दो पार्टियां ने पागल कर रखा है। मन्ने नहीं बेरा मैं सुलपा पिया हुआ, मन्ने नहीं बेरा मैं ताती दारू पिया हुआ, मेरे तो पागल होकर लिख रहा है। मारे ना का तो पागल है जो कबाड़ी चुगे मंदरा में आंड है, इनका सिर कमावे काकुड़िया का कमावे बड़ोदी आलिया का कमावे, मारे वो मारे मन मेरे लत्ते बेटा, मेरा बेटा भी ये भी। अच्छा। पहला ये 50 आदमी न्यू खड़े। हाँ। या उगाई की सुनो, पहला 23 तारीख की। हाँ। 23 ने उगाई थी, मैंने गांव का मनस बुला लिया। हाँ। इन डर तो था ही नहीं। हाँ। इन्हें क्यों मनस तोया उगाई पे 23 तारीख ने। अरे मैं बोले अरे बात करे फलाना गल है, मैं बोली मैं करूंगी मन्ने दे। बोला भाई तू क्यों आया? मैं मैंने बुलाया न्यू आया। बलिया तन्ने तो मरनाइस है, यू तो क्यों मुंडा हुआ भाई, तन्ने तो मारेंगे। मैं न्यू को मन्ने मारो, अरे मैं मरण ना अंडू हूँ, ऐसा छोड़ूंगी आयद है। कौन मरना चाहवा है? हुक्मे के जीते के ऐसा मांगू हूँ, मैं ब्याही आई हूँ, मेरा सुसरा का पिछरा का चाहे तो गोद ले रखा हो दे दो, नहीं हुक्मे का हक दे दो, मेरी आयद है, आयद लूंगी कानून का शाप्त है, अरे सुन लियो आयद लूंगी। अच्छा वो दबा दिया तो कानून के गए इस बारे में? कानून के कहे पुलिस में गई। हाँ। जो या पार्टी बुलाई थी। हाँ। बोला भाई यू मर गया के जीवा है, बोला जीवा है, बोला तुमने बेदखे लिखा, बोला ना बिछका ऐसा कर गया। हाँ। बोला हमने के बेरा, बोला तारा नाम है, हमें तो नाबालिग थे, तो नाबालिग था या किसी की चढ़ाई है। हाँ। एक और सुन लो, हाँ से क्या मैं मेरे बाबा का बाग में तेलू लंबरदार का गूठा है उगाई का। मैं उस्ताद ने ताऊ ने नहीं कहूँ, पहली बार तो मैंने तो दादा लंबरदार सुनिया नहीं, दाँच दादा सुनिया है तेरे परिवार में। उसका गुंठा नहीं, यू ताऊ तेलू एक दादा है तो मेरा दोनों चीज है। यू गुंठा तने लहर क्या है तने हुक्मे का, न्यू तो मेरा पढ़ना था, यू अरे ज्ञान किसका है? चलो चलो ताई ये मुद्दा तो चलो भाई, जो जमीनी जो मामला चल रहा है यानी कि ताई जी के एक तो आरोप है भाई काकड़ोद गाँव में जो इनकी जमीन है वो अभी भी बाकी है, जमीन को ये कह रही है कि मैं अपना हक लेकर के रहूंगी भले ही कानून का दरवाजा खटखटाना पड़े, हालांकि खटखटा भी रखा है, कानून के दरवाजे पहुंच रही है, केस डाल रखा। चलो तो भाई एक मामला जो होता है, ये कड़वा प्रश्न है मेरा आपसे, शायद आप बुरा भी मानो। कई जने नु कहे भाई भाई पे कौन बाण अपना हक मानना कर मांगा कर, यदि आप अपना भाई पे जमीन मांगने लाग रहे हो हक मांगो हो तो फिर आपका भाई आपके गिल क्यों बोल लगा? क्योंकि बाण ज्यादातर अपने हरियाणवी संस्कृति में बाण भाई पे जमीन को ना मांगा कर दी। यह बात तेरी ठीक से बेटा। हाँ। को नहीं मांगा कर दी, मैंने भाई पे आप जब जमीन मांगने लाग रहे फिर क्यों बोल लगा? मैं न्यू मांगू हूँ बेटा, मेरी बात सुनो। हाँ। मैं मेरे भाई ने नहीं पूछना चाहूँ। हाँ। 40 साल हो गए ना तो तेरी दरखास्त दी। हाँ। ना मैंने पंचायत कट्ठी करी। हाँ। ना तो मेरे बारे ने आज लगाया। हाँ।
मैं ही नहीं पूछूंगी पानी पीऊंगी भाई। हाँ। तेरी माँ ने जमीन तराई है। हाँ। मेरी माँ ने जमीन तराई है। तेरा चार मौसी थी, दो तो बड़ौदी में थी, एक कलेवा में थी, एक दिलो वाला में थी। उनकी अपनी माँ भी नहीं देखी, उन्हें मैं एक जमीन तराह दी। जे तेरी मान तराह दी के जुलम हो गया, उनकी अपनी काली हंडी तारी उसके भतीजे थे, दोहरा तो दूसरी बेबे ने भी तरवाई दी। तने 15 साल नहीं जाने दी, उसका बाद भतीजा मेरा दो जान दी नी, उसका भाई मेरा तो जान दी नी। वह तारे से मैंने पूछी भी गई, और दो महीने रह गई तमें लियाए, उस तर रोटी नहीं देगी। वह तड़फा के मारी, वह पीलू खेड़े मेरा हथ गिड़ा दी, मेरी बहन का हथ गिड़ा दी, पीलू खेड़ा वाले उल्टे गिड़ गए। इनका कि मैं मन में था जाए तो गेड़ी होगी, बिल्कुल है मामिया का के कोट है दुनिया तरह वह है। तो आपकी माँ आपने आपने क्या साल रखे आपके? दो मैंने दो भी ने बस इन थी मेरा लास्ट के दो भी ने जमरी जमा जही मैंने गई ने 15-20 दिन हुए थे, मेरा जमीन न होया था। हाँ। मेरा गांव की छोरी जीव है दरवा बेली में, तो मेरी माँ नौरा में गेड़ दी, मेरी माँ बोली हो रही। हाँ। को नुहानिया नहीं खुआनिया नहीं, मेरा बाप पानी गेड़ा कहता बाबा पर की तो किला टोरी थी। हाँ। पागल हो रही थी, नाला खोल के बैठ जाती, शर्म आवे थी, चाले थी को नहीं अगले की है। अच्छा फिर मेरा बाप बोलिया बेटी कृष्णा दिखी अको काका वा तो जहली के चंडीगढ़ है, कोई बंदा जावे बोले मेरा देवर का छोरा जावे। बेटी न्यू कह दिए तेरी माँ की कोई हाल तेरी नौरा में गेड़ रखी है, बेबे आओ है। मैं आई रात ने रही तड़के ने, मैंने पानी तो गलने नहीं दिया कर दी भाभी, दो पानी के लियाई ताता करया नुआ के लेगी, वह मैल के कपड़े लेगी, राम न्यू का बरसे जहेंज लगे। तो ये बाप अपना भाई पर भी अकले होगी। हाँ कितनी जमीन आओ आपके भाई? मन्ने नहीं बेरा उड़ा 2.5 किले है, मन्ने नहीं बेरा उड़ा 3 किले, मन्ने नहीं बेरा 3.25 किले बड़ौदा में। जितनी मेरी फरद में है, मैं मेरा भाई पे 5वां हिस्सा दरवाजे में तभी लूंगी। मैंने बूढ़ी को नहीं कराखी, मैं लूंगी भाई। मेरा आज लग उस गांव में सिर नहीं होया, मैं मेरा भाई का हक लूंगी। चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख लिया है, तो ताई जी की जो प्रॉपर बात है ससुराल पक्ष को लेकर के या पीहर को लेकर के, दोनों तरीके की जो बातचीत है वो ताई ने रख दी है। कहना ताई का कि ससुराल पक्ष में भी जो इनका जमीनी विवाद वहाँ पर भी अपना हक लेकर के रहेंगी, और रही बात जो पीहर का जो मामला है बड़ौदी गांव में, वहाँ पर जो खुद इनका जो सगा भाई है बड़ौदा गांव में जो इनकी ज़मीन है, इनका कहना कि 5वां जो हिस्सा है नोहरा यानी कि नोहरे में भी और जो खेत में है वो भी अपना जो 5वां हिस्सा वो कह रही है कि लेकर के रहूँगी, चाहे कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़े हो, चाहे केस दर्ज करना पड़े। हालाँकि जो केस है ससुराल पक्ष की तरफ से वो चल भी रात तो आगे की जो प्रक्रिया रहेगी दोनों पक्ष से हम जानने का प्रयास भी करेंगे। काकड़ोद गांव में जो इनका जो ससुराल है उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जो जींद जिले का जो बड़ौदी गांव है वहां पर भी जो पीहर पक्ष है जो इनका उनसे भी हम बातचीत करेंगे, इनके भाई से भी मुलाकात करेंगे क्या कुछ आखिरकार ये मामला है। अब कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है कि क्या कुछ आप कहना चाहते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शोगिंजार के साथ मैं जो भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।